सवाल पूछा जाता है कि गधैया नृत्य कैसे और कैसा होता है। जिन्हें यह जानना है उन्हें आज पाकिस्तानियों की उस नौटंकी को देख लेना चाहिए जिसके लिए उन्होंने पिछले दो दिनों से अपने तहमदों को गदले पानी में धोया और फिर पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर से इस नृत्य को करते हुए भारत की सीमा की तरफ बढ़े। इमरान खान की हिदायत के बाद भी इनकी तस्वीर पर बुलबुलों की पोटली ढीली नहीं हुई। दरअसल यह पाकिस्तानी जिन मदरसों से निकलकर माथे पर काला टीका बनाते हैं वहां मानवता की भलाई और शांति समृद्धि की तालीम नहीं दी जाती है बल्कि इन्हें यही सिखाया जाता है कि भीख कैसे मांगी जाती है, पिछवाड़े कैसे मटकाए जाते हैं। इस मटका चटकी के स्वभाव के कारण ही इनकी आज फटते फटते बची है। अब जरा इन मदरसा पैदाइश का पूरा ड्रामा भी समझ लीजिए जो इन्होंने LOC पार करने के लिए रचा था। ये लोग पिछले दो दिनों से मुजफ्फराबाद के मदरसों में तहमद झाड़ रहे थे। दाढ़ियों में लाल मेहंदी लगाकर उसे सूखे बांस का रंग दिया जा रहा था, शायद इसलिए कि अगर मजाक मजाक में LOC क्रॉस हो गई तो पिछवाड़े पर पड़ने वाले भारतीय सेना के बूटों की ध्वनि इस्लामाबाद तक जा सके। यह सब तैयारी होने के बाद यह मुगल छाप मुजफ्फराबाद श्रीनगर राजमार्ग पर गधैया नृत्य करते हुए आगे बढ़े। इस मार्च का आयोजन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट द्वारा किया गया था। हालांकि पहले ऐसी बातें कही गई थी कि पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा इन कुकुर मुत्तों को चकोटी में रोक लिया जाएगा लेकिन शायद पाकिस्तान के बुजदिल प्रशासन को लगा कि इन फंटर लोगों के प्रदर्शन से कश्मीर मिल सकता है, इसलिए उन्होंने भी कुकुर सुकुर के नारे इनके साथ लगाए। पाक अधिकृत कश्मीर में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन JKLF के नेतृत्व में होने वाले गधैया नृत्य का उद्देश्य भारत को गिदड़ भभकी देने वाला था। इस मार्च में ज्यादातर युवा शामिल थे। इस मार्च में शामिल युवाओं में अधिकतर कचरा बीनने वाले और मदरसों की अलग बुद्धि जमात को इकट्ठा किया गया था क्योंकि 20 किलोमीटर का पैदल मार्च ऐसे लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान वाले हिस्से में जमकर गधैया बवाल किया जिसका आनंद भारतीय सेना ने भी खूब लिया। दरअसल इन्होंने जिस प्रकार अपनी तस्वीर को मटका कर लटके झटके दिए वह काबिले तारीफ थी। इन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान कैसे दुनिया का दूसरे नंबर का गधा देश बन गया। ये LOC के अपने हिस्से में नाचे, कुकुर सुकुर के नारे लगाए, तहमद उड़ाए, भारत की तरफ अपने काजल लगे नैन मटकाए, पर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दाढ़ी को लाल मेहंदी लगाकर सूखे बांस का रंग दिया था उसे भारत की तरफ लहरा तक सके। डर था ऐसा किया तो कई भारतीय सैनिक उनकी दाढ़ी को झाड़ू बनाकर कचरा बनी कराची में ना फेंक दे। इधर भारतीय सैनिकों का निशाना इनकी मटकती तशरीफ की ओर था, इसलिए LOC पार करने का ख्वाब मदरसे की दीवार पर चिपके हाफिज सईद के लापता पोस्टर के बराबर में चिपक गया। दरअसल भारतीय सेना के पराक्रम के आगे तो डोकलाम से चीन को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़ गया था। इन फंटर तहमदबाजों की तो औकात ही क्या है, इसलिए इन कचरा बीनने वालों को अपना प्लान रद्द करना पड़ा और गधैया नृत्य चूहिया नाच में बदल गया, मतलब इधर को जाए या उधर को सरके। गौरतलब है कि शुक्रवार को POK के नेताओं ने प्रतिबंधित JKLF के नेताओं से बातचीत की थी और कहा था कि वे इस मार्च को LOC के ज्यादा करीब ना ले जाए अन्यथा भारतीय सेना उन्हें अच्छे से ठोक सकती है और जैसे पाकिस्तानी सड़कों पर कचरा बीनते हो उससे कहीं जोर से उनकी बीन बजा सकती है। इस प्रकार की सलाह देने वालों में अब्दुल हमीद बट भी थे जिन्होंने 13 साल तक भारत की जेलों में भारत डंडे का स्वाद चखा है। इस पूरे घटनाक्रम पर सेना का वक्तव्य भी आया है। सेना ने कहा है कि LOC पर किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया गया, इस तरह की घटना से निपटने के लिए सेना पूरी तरह तैयार थी। हालांकि पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नाम लेकर लोगों को भड़काया था। POK के लोगों को पोस्टरों के जरिए LOC पर जमा होने और LOC लांघने के लिए कहा गया था, पर जिनके पास तहमद के नीचे पहनने को निकर नहीं उनमें LOC पार करने की मत कहां होगी। इनकी इज्जत पर तो पहले ही सांप लौट रहे हैं, इधर आते तो फिर लौट कर चले जाते, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह भारत है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज वाला देश। यह फौज जब पाकिस्तान में घुसकर ही पिछवाड़े तोड़कर आ जाती है इधर आते तो क्या हश्र होता। आगे से याद रखना जरूरी है वरना भारत को भी बॉर्डर पर अस्तबल बनवाना पड़ेगा जहां फंटर पाकिस्तानियों की तशरीफ की शिकायत के लिए कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।